हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। 2020 ईयर आ चुका है और वीडियोस भी नए नए वीडियोस भी आने वाली हैं, तो मेरे चैनल पे प्लीज बने रहिए, आगे तक से फॉलो करते रहिए। तो उसको फॉलो करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको रेड जो बटन है ना नीचे मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करना होगा। उसके साथ एक घंटी होती है, वो भी बजानी पड़ेगी, ताकि आपको पता चलते रहे मेरी नई नई वीडियोस कैसे और कब आने वाली हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है किचन टूल्स ऑर्गेनाइजर्स के बारे में, जो कि मैंने ऑर्डर किए थे अमेजोन से। उनकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है अकॉर्डिंग टू प्राइस, उनको यूज करके भी देखेंगे कि वो कैसे यूज करने में कैसे हैं। और मैंने ये प्रोडक्ट्स जो मंगाए हैं ये सारे मतलब न्यू आइटम्स ही हैं, अभी तक जनरल मैंने देखे नहीं है कहीं पर भी। तो मैंने भी अपनी किचन को अपग्रेड करने के लिए मंगवाए हैं ये। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले आइटम है ये एक ऑर्गेनाइजर ही है, किचन ऑर्गेनाइजर है। इसके अंदर आप रख सकते हैं अपना लिक्विड सोप और स्पॉन्ज, और हैंग भी कर सकते हैं इसके अंदर अपना जो क्लॉथ होता है जिससे हम किचन वाइप करते हैं। इस तरीके की पैकिंग में आया था, और इसके अंदर भी एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये पैक हो रखा है, ये इस तरीके का दिखता है। इसे आप हैंग भी कर सकते हैं। इसको यूज़ करके देखते हैं। इसके अंदर मैंने लिक्विड सोप डाल दिया है और इस तरीके से ये हैंग भी कर दिया है। और इसके अंदर एक नीचे जाली भी रखी हुई है कि स्पॉन्ज में जितना वाटर है वो एक्सेस वाटर निकल जाए। नेक्स्ट आइटम है ये। ये है एक चार बाउल्स का सेट है, ये एक स्टैंड में लगे हुए हैं और इसमें आप मसाले रख सकते हैं, आप कैंडीज रख सकते हैं, आप काजू बादाम वगैरह इसको रख सकते हैं, इस तरीके से अचार भी रख सकते हैं आप डिफरेंट टाइप्स के। और ये प्लास्टिक का बना हुआ है और इसके साथ चार स्पून भी दी हुई हैं। इसके अंदर आप चारों में ये स्पून्स भी दे रखी हैं, तो आप मसाले रख सकते हैं, अचार रख सकते हैं, काजू बादाम वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है ये एक स्ट्रेनर है, और ये फोल्ड भी हो जाती है और ये ओपन हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, तो आप इसको कहीं पे भी आराम से फिट कर सकते हैं। ये इस तरीके से स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, ये इस तरीके से फोल्ड होकर ही आई है। अब इसको ओपन करते हैं, इसे आप अपने जितनी नीड है उसके हिसाब से एक्सपैंड कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद आप इसको कहीं पे भी फोल्ड करके रख सकते हैं आसानी से इस तरीके से। इस पैकेट में दो आइटम्स हैं, और वो है क्या बोलते हैं, एक सीज़र है और एक पिलर है, वो पिलर वंडर शेप का है, और ये देखिए ये सीज़र है। इसके साथ ये कॉम भी दे रखा है क्लीन करने के लिए इसको, और ये देखिए ये पिलर है। इसके अंदर ये इसका कवर लगा हुआ है ताकि जो भी पील्स होंगी वो इसके अंदर ही रहेंगी। मैं इसे कोरिएंडर को कट कर रही हूँ, आप और भी काफ़ी सारी वेजिटेबल हैं उनको कलेक्टिवली कट कर सकते हैं, फटाफट आराम से कट हो जाएगी। कट करने के बाद आप इस सीज़र को इस कॉम्ब से क्लीन कर सकते हैं, आसानी से क्लीन हो जाएगी इसी से। इससे मैं ये पोटैटो पील करके देख रही हूँ, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे कि आपको पता है कि वंडर शेफ के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है उस हिसाब से। और ये देखिए इसके अंदर सारी पोटैटो पील्स इसके अंदर ही हैं। ये लास्ट प्रोडक्ट है, ये एक्चुअली एक किचन प्रोडक्ट नहीं है, ये मैंने ऐसे ही घर के लिए मंगाया था। ये एक हैंगर है, ये मल्टी फंक्शनल हैंगर है, इसके अंदर आप काफ़ी सारी शर्ट्स वगैरह हैंग कर सकते हैं, जैसे क्लोथ ड्राई करने के लिए, जैसे शर्ट्स वगैरह जो होती हैं हमारी उनको अच्छे से ड्राई कर सकते हैं इसके ऊपर हैंग करके। आप लोग देख सकते हैं कि ये हैंगर मैंने ओपन कर दिया और इसको मैंने इस तरीके से हैंग कर दिया एसी कंप्रेसर के नीचे, ताकि हम यहाँ पे क्लोथ्स हैं जो शर्ट्स वगैरह वो हम अच्छे से ड्राई कर सकें। और ये देखिए इसके अंदर 10 होल्स हैं,
तो ये थे सारे किचन प्रोडक्ट्स जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगा या अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, उसे घंटी को भी बजा लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।